हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, आर्टिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। लास्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल के बारे में डिस्कशन हो चुका है, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर के जितने भी स्टूडेंट थे उनके बारे में, इवन नंदलाल बोस के स्टूडेंट और नंदलाल बोस के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये चैप्टर है लेसन 14, ठीक है, लेसन 14 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 15 लेसन है और 1 to 15 ये लेसन कंप्लीट होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। इन फ्यूचर जब भी देख रहे होंगे आप, पूरी बुक का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है। 1861 में जोरासांको कोलकाता में कवि, उपन्यासकार तथा गीतकार रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म एक संप्रांत परिवार में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता की बंगाल एकेडमी तथा लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किए थे, एजुकेशन लिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में अपनी पारिवारिक गृह भूमि शांति निकेतन में छोटा सा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया। शांति निकेतन का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वीरभूमि पश्चिम बंगाल में 1860 ईस्वी में करवाए थे। उन्नीस सौ बारह ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड गए, मतलब अब ये रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड गए थे 1912 ईस्वी में, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि काव्य संग्रह पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1912 में इंग्लैंड गए थे, देन वन ईयर 1913 1913 में गीतांजलि पर इनमें कौन सा अवार्ड मिला था, तो अवार्ड आपको याद रखना है नोबेल पुरस्कार मिला था। 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। भारत में प्रथम है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। इवन फॉरेन में किसे मिली थी, आर्टिस्ट पीटर पाउल रिबेंस को। पीटर पाउल रिबेंस बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट मूवमेंट से, इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी फॉरेन में, और इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1919 ईस्वी में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब की स्थापना की। 1921 ईस्वी में शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नेम से एक्सप्लोर किया गया। सबसे पहले देखिए 1868 का टाइम ड्यूरेशन था, इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक वीर भूमि पे एक एस्टेब्लिशमेंट किए थे। देन 1901 में 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे कला भवन लाइक एक वीर भूमि क्रिएट की है जहाँ पे संस्था, फिर 1919 में इस वीर भूमि को शांति निकेतन नाम दे दिया गया, फिर इसी शांति निकेतन को एक्सप्लोर करके 1921 ईस्वी में विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम से एक्सप्लोर किया गया। ओके, इवन 1921 में शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्वरूप देकर प्रथम ललित कला संकाय फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की स्थापना हुई थी की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रण का प्रारंभ रेखांकन हुआ करता था, ठीक है, रेखांकन से हुआ स्टार्टिंग, इन्होंने जो पेंटिंग की वो स्केचिंग से की। इन रेखांकनों को इन्होंने 1924 में लगभग अर्जेंटाइन प्रवास के समय विक्टोरिया ओकाम्पो ने सौम्य कला के रूप में मान्यता दी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी पेरिस में 1930। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। 1930 1930 ईस्वी में इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी पेरिस में।
अब पेरिस में कहाँ पर, ये भी याद रहना है आपको कि पिगाल आर्ट गैलरी में, ठीक है, पिगाल आर्ट गैलरी। 1930 से 1941 ईस्वी तक 10 वर्ष की अवधि से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अप्रतिम कला सृजन किया। गहरी नीली पृष्ठभूमि में मूल रंग लाल, पीला, सफेद, रेड, येलो एंड व्हाइट कलर से इन्होंने एक अंडाकार आकृतियां भयावह भी की थी। मूल रंगों द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उदासी, क्रोध, भय आदि की अभिव्यक्ति की है। अपनी पेंटिंग्स को इस तरह से डिपिक्ट किया था इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रों में नारी आकृति का बहुल्य रहा था, जो प्रेम स्थली होने के साथ अभिलाषा का संकेत देती है। मुल्क राज आनंद ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला पर पिकासो, सैल्वाडोर डाली, एडवर्ड मुंग, मोदिग्लिआनी का प्रभाव था। देखिए, पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से, घनवाद कला आंदोलन के पिता कहे जाते हैं, फादर। सैल्वाडोर डाली बिलोंग करते हैं सरलिज्म आर्ट मूवमेंट से। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1924 से लेके 45 तक चला था। सैल्वाडोर डाली फाउंडर थे, और बेसिकली यहाँ पे ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया गया, लाइक अनकॉन्सियस, ये कह लें कि फैंटेसी लाइफ, अनकॉन्सियस सबकॉन्सियस माइंड। सैल्वाडोर डाली के मनोविश्लेषण से ये कला आंदोलन एक्सप्लोर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ड मुंग, बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन, जो जर्मन में शुरू हुआ था 1904 से 1914, हाँ 14 तक चला था, जिसके दो भाग थे, एक थे डाई ब्रोकले, दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप, क्लियर। नेक्स्ट है मोदिग्लिआनी। मोदिग्लिआनी क्यों फेमस रहे थे, तो बेसिकली ये लंबी गर्दनों के लिए, इनकी जो पेंटिंग्स होती थी लंबी गर्दनों के लिए मोदिग्लिआनी फेमस हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। आरंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल स्याही के पेन से रेखांकन करके कला निर्मित की, जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार प्रचुर मात्रा में हैं। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा के संबंध रही है, जो भाव प्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है। भारतीय लघु चित्रों व अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय है, वही लय टैगोर के चित्रों में दिखाई देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखड़ियों से प्राप्त रंग, ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग तथा जल रंग माध्यमों में भी कार्य किए। ये जो स्क्रीन पे पेंटिंग दिख रही हैंड स्टडी इन्होंने बनाया था पेज पर इंक से। नेक्स्ट लाइन देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख चित्रों में लॉफिंग फिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, सफेद धागे, वाइट थ्रेड इंग्लिश में कहते हैं इस पेंटिंग को, चिड़िया, बर्ड, ट्रीज, मिल हेड, मैन राइटिंग ए डंकी, मैन राइडिंग ए डंकी मीन्स बंदर, मतलब आदमी बंदर को दौड़ा रहे, इस तरह का। ये जितनी भी स्क्रीन पे पेंटिंग दिख रही है ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है गगनेंद्रनाथ ठाकुर। गगनेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में, ठीक है, 1867 में इनका जन्म हुआ, जोड़ासांको कोलकाता में। जन्मे गगनेंद्रनाथ टैगोर का पालन पोषण इनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर के अंकल थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, और गगनेंद्रनाथ टैगोर बड़े भाई थे। इनका जन्म हुआ था 1867 में, ठीक है, 1867 में जन्म हुआ, ये बड़े भाई थे, और 1871 में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, वो छोटे भाई थे। लास्ट क्लास में अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में कंप्लीटली ब्रीफ डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का रिलेशनशिप भी पता चल गया कि ये दोनों लोग कौन थे, गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों इनके नेफ्यू थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 1905 में चित्र प्रारंभ किया, 1905 में गगनेंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग स्टार्ट किए हैं करना। 1911 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक
जीवन स्मृति का चित्रण किए थे। इनकी पुस्तक से जीवन स्मृति, इस पर पेंटिंग्स बनाए थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर 1911 में। देखिए इनके जो छोटे भाई थे उन्होंने चित्रांगदा के लिए पेंटिंग बनाए थे 32 पेंटिंग, और वो चित्रांगदा किसकी पुस्तक रही थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। इवन जीवन स्मृति भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, उस पर 1911 में गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक में चैतन्य महाप्रभु वरितमाला का चित्रण भी किया, जिसमें जन्म से देह त्याग तक की 21 चित्र है। टोटल इन्होंने 121 पेंटिंग रिप्रेजेंट किए, और उनका भी याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा में 32 पेंटिंग्स। 1910 से 1915 ईस्वी के मध्य गगनेन्द्रनाथ ठाकुर स्याही से चित्रण किए। किससे चित्रण किए? स्याही से। पेंटिंग से जो पेंटिंग्स इन्होंने प्रेजेंट किए वो इंक से बनाए थे। गगनेन्द्रनाथ ठाकुर 1921 ईस्वी में घनवादी प्रयोग भी किए, और भारत में प्रथम घनवादी कलाकार कहे जाते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, जिनमें बिंब के संरचनात्मक गुण, स्वप्नील अंतःदृश्यो, अद्भुत वास्तु संयुक्त कॉम्प्लेक्स, पर्दों में नारियों के समूहों, सीढ़ियों आदि का अत्यधिक महत्व दिया है। इस तरह अपनी पेंटिंग्स में कंपोज्ड किए हैं। बहुत फेमस है इनकी टेंपल की ओबेस्ट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन द लाइट, द्वारकापुरी, द स्प्रिट ऑफ द डॉन, मीटिंग इन द स्टेयर केस। इसमें क्या होता है पता है? इस पेंटिंग में पेंटिंग है लाइक मोनोक्रोमेटिक लगता है, ब्राउन कलर्स में इस तरह से स्टेयर बना हुआ है। स्टेयर लाइक ये ज्यूम कर लीजिए, सीढ़ियाँ हैं, ठीक। और यहाँ पे फीमेल्स खड़ी हुई हैं, टू फीमेल्स को दिखाया गया है। पेंटिंग का नेम है मीटिंग इन द स्टेयर केस। लाइक ज़ियारत के प्रोफेशन कर रहे थे, एक बार पेंटिंग ज़रूर देख लीजिएगा। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के घनवाद में एक अति निंद्रिय रहस्यात्मक समन्वयात्मक दृष्टि और आदर्शवादिता है, जो उन्हें पश्चिमी घनवाद से पृथक करते हैं। अच्छा, पश्चिमी घनवाद बेसिकली क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 1907 में और 1925 तक चला, 1925 तक। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? टाइम पता होना चाहिए। और स्टार्ट हुआ, लोकेशन क्या था? तो पेरिस था। और फाउंडर कौन कहे जाते हैं? फाउंडर थे पिकासो। क्लियर? पिकासो फाउंडर थे। और अदर आर्टिस्ट थे जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे, हॉर्नक्रेस। यहाँ पे 1912 ईस्वी में कोलाज का इन्वेंशन किया गया था। टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था, संश्लेषणात्मक क्यूबिज्म और विश्लेषणात्मक लाइक एनालिटिकल और सिंथेटिकल क्यूबिज्म के बारे में। उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी वेस्टर्न आर्ट की क्लास में। अभी बस जो ऊपर ऊपर से इम्पॉर्टेंट टास्क थे उसके बारे में हमने आपको शेयर किया है। स्टेला क्रैमरिश ने सर्वप्रथम उन्हें भारतीय घनवादी चित्रकार कहा। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारतीय घनवादी गगनेन्द्रनाथ टैगोर को किसने कहा? तो ये टर्म्स नोट डाउन कीजिए, स्टेला क्रैमरिश ने। 1923 में बर्लिन में भारतीय आधुनिक चित्रकला की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें गगनेन्द्रनाथ टैगोर कृतियों को घनवादी कहा गया। उनके गगनेन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां, दैट मीन्स उनके आर्ट वर्क को घनवादी कहा गया। नेक्स्ट लाइन है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाववादी चित्रों में कांग्रेस को संबोधित करते हुए कवि रविंद्र, जंगल की आग, बसंत, रांची में सूर्यास्त आदि। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्यूबिज्म डायरेक्शन में काम किया, इनको भारत का प्रथम क्यूबिज्म आर्टिस्ट कहा जाता है। इवन इन्होंने घनवाद में भी काम किया, इसमें क्यूबिज्म घनवाद के साथ साथ प्रभाववाद में भी काम किया। प्रभाववाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेसनिज्म, ठीक है, इंग्लिश में इम्प्रेसनिज्म कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे वर्क कैसा हुआ था, काम कैसा हुआ था, कब स्टार्ट हुआ? 1870 से 1890 तक ये कला आंदोलन चला था फ्रांस पेरिस में। और बेसिकली वर्क कैसा हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट ने वो आउटडोर टेक्निक में, इन्होंने फर्स्टली आउटडोर में काम यहाँ से ही शुरू होता है।
इवन ये कह लें कि फाउंडर कहा जाता है क्लाउड मॉनेट को, पूछा जाता है कि फाउंडर जन्मदाता कौन है, क्लाउड मॉनेट है जिनको हिंदी में कहा जाता है मोने, मोने हिंदी में कहा जाता है। कुछ अनदर आर्टिस्ट हैं लाइक मैनेट, मोनेट, डिगास, रिनॉय, सिसली, पिसारो, बर्थ, मनीषा, यहाँ की फीमेल आर्टिस्ट हैं। और विबग्योर कलर्स, जैसा कि आपको पता है कि विबग्योर कलर्स का इन्वेंशन हुआ था 1660 सर आइजेक न्यूटन ने। एक प्रिज्म रखे थे जिससे रेज ऑफ लाइट, सूरज का जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, सॉरी सन रिफ्लेक्शन जो आ रहा था उसके, एक सेकंड, सन रिफ्लेक्शन के थ्रू इस तरह से जब रिफ्लेक्शन आ रहा था तो ये विबग्योर कलर्स, सेवन कलर्स का इन्वेंशन होता है, क्रिएशन विद 1660 टाइम ड्यूरेशन, किसके थ्रू, सर आइजेक न्यूटन, सर आइजेक न्यूटन। ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इवन घनवादी आर्टिस्ट ने विबग्योर कलर, कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पेंटिंग में विबग्योर कलर्स को कंपोज किए थे। ठीक है, हमारा बता मेरा बताने का मकसद यही था कि विबग्योर कलर्स भी यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, टाइम ड्यूरेशन भी, किसने इन्वेंशन किया, इवन आर्टिस्ट ने इस तरह के कलर्स को अप्लाई किए, इवन ब्रोकन कलर्स का भी यूज़ किए थे। ब्रोकन कलर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं भंग वरण। लाइक हमने कोई लैंडस्केप बनाना है तो जब स्काई बना रहे होंगे तो स्काई में जब ब्लू कलर्स, लाइक ब्लू कलर टचअप दे रही है, अब ब्लू को थोड़ा लाइट नीचे दिखाना होगा तो ब्लू करते करते जब हम ब्रश को नीचे तक करने लगेंगे तो वाइट का टचअप देंगे, टू कलर्स को जब मिक्स करेंगे कोई थर्ड कलर्स का जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा उसे ही बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इट ब्रोकन कलर, भंगवरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आर्ट नहीं आता है, बहुत डिटेल्ड में नहीं आता है, लेकिन जो मेन टर्म्स होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेस्टर्न आर्ट की जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, पता है स्कोरिंग मार्क्स है, और वेस्टर्न आर्ट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सुनहरी धरातल पर स्याही से अंकित, सुनहरे अंकित चित्रों में पूरी की स्वर्णिम रेत, पूरी की स्वर्णिम रेत, तीर्थाटन आदि गगनेंद्रनाथ टैगोर की कला को निम्न भागों में बांट सकते हैं। परिलोक के समान वातावरण में रोमांटिक विषयों को इन्होंने चित्रित किया। काले व श्वेत रंगों से स्केच बनाए। व्यक्ति चित्र तथा सामाजिक व्यंग्य विद्रूप प्राकृतिक दृश्य भी इन्होंने बनाए। रहस्यात्मक पूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र बनाए, घनवादी चित्र बनाए। भारत के आरंभिक व्यंग्य कलाकारों में से एक गगनेंद्रनाथ टैगोर के व्यंग्य चित्र विकृतिपूर्ण नहीं है, वे सामाजिक परिस्थितियों पर व्यंग्य हैं। हास्य तथा व्यंग्य की अभिव्यक्ति गगनेंद्रनाथ टैगोर के 1917 में सृजित अद्भुत कैरिकेचर्स लाइक कार्टूनिस्ट में परिलक्षित होता है, जो लिथोग्राफ है। इन्होंने कार्टूनिस्ट स्टाइल में लिथोग्राफी भी रेडी किए थे, जिनके दो खंड हैं विरूप ब्रज और अद्वैत लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, नोट डाउन कर लीजिए। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बाल साहित्य भोदोर बहादुर, इनको अवार्ड भोदोर बहादुर भी लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल साहित्य भोदोर बहादुर जिसमें बच्चों की स्टोरीज को कैप्चर किए थे, किसने लिखा है, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, एज इट इज एग्जाम में आई हुई है कि भोदोर बहादुर किसकी रही थी, गगनेंद्रनाथ टैगोर की। गगनेंद्रनाथ टैगोर लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता एवं संगीतज्ञ। गगनेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी, इनकी निधन 1867 में जन्म और 1938 में मृत्यु, पक्षाघात के कारण हो गई थी। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम भारतीय विश्व के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किए थे, भारतीय विषयों के लिए मतलब इंडियन जो सब्जेक्ट्स थे उसके लिए घनवादी वर्ड्स यूज किए थे। अन्य विदेशी शैलियों के समन्वय में अपनी कला का एक नितांत मौलिक स्वरूप विकसित किया। गगनेंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों में डिपार्चर ऑफ चैतन्य, द कमिंग ऑफ प्रिंसेस, द फेरी प्रिंसेस,
डेसोलेंस हाउस, स्प्रिट ऑफ नाइट, सात भाई, चंपा और स्वप्नजाल, द्वारका के मंदिर, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी ये सारे पेंटिंग्स थे गगनेंद्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 में हंगरी में हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, ठीक, हंगरी, जिसकी राजधानी बुधापेस्ट में। अमृता शेरगिल 5 वर्ष की आयु में हंगरी की परिकथाओं पर चित्रण का रेखांकन प्रारंभ किया है इन्होंने। अमृता शेरगिल ने प्रारंभिक कला शिक्षा मेजर विटमार्श तथा बेवेन पेटमैन से लिए थे ली थी इन्होंने फीमेल हैं इन्होंने अपनी एजुकेशन जिनसे ली थी, आपको याद रहना चाहिए कि मेजर विटमार्श और बेवेन पेटमैन से इन्होंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन ली थी। देन 1924 में अमृता शेरगिल इटली के फ्लोरेंस में कला शिक्षा ग्रहण की, कब की, 1924 में। अमृता शेरगिल 1924 टू 1929 भारत प्रवास के मध्य रेखांकन तथा जल रंग चित्रण की। अमृता शेरगिल ने 1929 में पेरिस के ग्रो सोमिशर तथा एकोल द बजर कला अध्ययन किया। इस दौरान अमृता शेरगिल ने तैल रंगों में प्रथम प्रयोग कर लगभग 60 चित्र बनाए, 60 पेंटिंग्स बनाई थी अमृता शेरगिल ऑयल कलर में। इसमें निर्वसन मॉडल, स्टील लाइफ तथा आत्मचित्र है इन्होंने बनाया है। इस समय अमृता शेरगिल की कला पर सिजान, पाउल गॉगेन, हेनरी मैटिस की कला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। सिजा बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट, इवन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के जन्मदाता कहे जाते हैं, उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन। पाउल गॉगेन बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। सिजा फाउंडर थे, जन्मदाता इवन पाउल गॉगेन और वैन गॉग यहाँ के मेंबर रहते हैं इस आर्ट मूवमेंट के। हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेवरिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं फाववाद और जंगलवाद। इसका टाइम एग्जैक्ट था 1900 से लेकर 1910 तक, फ्रांस में शुरू हुआ था फाओवाद फ्रांस, ठीक है। तो आप जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनको भी कैप्चर करते रहिए। पर्टिकुलर ये सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, इनसे इन्फ्लुएंस थे अमृता शेरगिल, इवन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड है पाउल गॉगेन के ताहिटी लाइफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, पूछा जाता है कि पाउल गॉगेन के ताहिटी लाइफ से इंडिया में कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत फेमस हैं, इन्फ्लुएंस रही हैं अमृता शेरगिल। सॉरी नेक्स्ट लाइन देखिए, 1934 में अमृता शेरगिल भारत वापस लौटी तथा शिमला में शिफ्ट हो गई थी, वहीं रहने लगी थी। अमृता शेरगिल चित्रण में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करती थी, ज्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है पेंटिंग्स में। भारत में रहकर अमृता शेरगिल ने जो चित्र बनाए उनमें आकृतियों के सरलीकरण के साथ साथ यहाँ के जन साधारण की मर्मिक परिस्थितियों को कुशलता से चित्रित किया गया। इस समय के चित्रों में बाल वधु, भारतीय माँ, भिक्षुक, तीन कन्याएं, पार्वती महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इवन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ये जितने टर्म्स हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अमृता शेरगिल ने बॉम्बे के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में भी चित्रों का अध्ययन किए इन्होंने किया है यहाँ पर भी। अमृता शेरगिल ने राजस्थानी तथा बसौली शैली के चित्रों के अध्ययन का अपने बाद में बनाए चित्रों में उपयोग किया। अमृता शेरगिल ने बम्बई के ताज होटल में, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि बम्बई के ताज होटल में किसने अपनी एग्जीबिशन की थी, अमृता शेरगिल ने अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन की थी। अमृता शेरगिल को अजंता तथा एलोरा का बहुत, इन्होंने विजिट किया अजंता और एलोरा, इनको बहुत अच्छा लगा। अजंता एलोरा जैसे कि पता है कि महाराष्ट्र में है, वहाँ अमृता शेरगिल विजिट की थी। भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में अमृता पहली कलाकार थी जिन्होंने हमारे देश की कला को कई दिशा प्रदान की,
अमृता शेरगिल की कला में पॉल गॉगिन की शैली की आदिम सरलता रही थी। पॉल सज़ा की शैली की गठन शीतलता व सरलीकृत आकार वैन गॉग की अभिव्यंजना शक्ति के साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव था अमृता शेरगिल पर। नेक्स्ट लाइन है, कुषाण कालीन मथुरा मूर्तियों से प्रभावित वस्त्र योजना अजंता के संयोजन केरला के भित्ति चित्र की प्रकाशीय घनता व आलेखन तथा बसौली की रंग योजना आदि विषयों की दृष्टि मतलब विषयों की दृष्टि से भी अमृता शेरगिल ने भारतीय जनजीवन व प्राकृतिक दृश्यों को महत्व दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। अमृता शेरगिल का विशेष प्रिय रंग रेड था, लाल कलर इनका फेवरेट था, रेड कलर इनका फेवरेट कलर था प्रिय, जिसके अनेक बलों व रंगतों का प्रयोग अमृता ने अपने चित्रों में किया। अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स देखिएगा, ज़्यादा पेंटिंग्स में उनकी एवरी पेंटिंग्स में कलरफुल पेंटिंग्स दिखती हैं, इवन रेड कलर्स भी इन्होंने यूज़ किया है। जीवन के अंतिम क्षणों में अमृता शेरगिल लाहौर चली गई, जहाँ सन 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन। अमृता शेरगिल के चित्रों की नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इलाहाबाद, लाहौर, शिमला में एकल प्रदर्शनी सोलो एग्जीबिशन हुई थी। कहाँ हुई थी सोलो एग्जीबिशन? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इलाहाबाद, लाहौर, शिमला। इवन एकल प्रदर्शनी होती क्या है तो लाइक सोलो एग्जीबिशन, पर्टिकुलर जैसे आपको या फिर मुझे कोई एग्जीबिशन क्रिएट करना है सोलो एग्जीबिशन, तो उसमें सिर्फ हमारी ही पेंटिंग होगी, उसे ही बोलते हैं सोलो एग्जीबिशन, सिर्फ उन्हीं आर्टिस्ट की पेंटिंग लगी हो। ये इनका है रेस्टिंग, ऑयल कलर में अमृता शेरगिल बनाई थी। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्रों में हंग्री जिप्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, ब्राइट टॉयलेट, हिल वुमेन, रूलर सीन, द गर्ल्स इन ब्लू, हल्दी ग्राइंडर, यंग गर्ल, ब्रह्मचारी, टू एलिफेंट्स, हंगेरियन मार्केट, एवन हंगेरियन जिप्सी भी है इनकी फेमस। ये सारे पेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट डाउन कर लें, इवन प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लाइक हंगेरियन जिप्सी, ब्रह्मचारी, टू एलिफेंट, हल्दी ग्राइंडर हमेशा आपको जेआरएफ के भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, ब्राइट टॉयलेट, हीलिंग वुमेन, हीलिंग मैन, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शैलोज मुखर्जी। शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो एज्यूम कर लें कि उसी टाइम इनका जन्म भी हुआ, ठीक है। अब ये शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। शैलोज मुखर्जी के संक्रांति कलाकार के रूप में शामिल किया गया, इनको संक्रांति कलाकार के रूप में शामिल किया गया शैलोज मुखर्जी को। शैलोज मुखर्जी ने प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य सेतु का कार्य किया। शैलोज मुखर्जी ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में कला शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कोलकाता कला विद्यालय से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता से। शैलोज मुखर्जी ने यूरोपीय कला के महान आचार्यों की कृतियों का गंभीर अध्ययन किया। शैलोज मुखर्जी ने बंगाल शैली की वॉश पद्धति का बहिष्कार कर स्वतंत्र मार्ग बनाए। शैलोज मुखर्जी ने कोलकाता के समान सहज आकृतियों का प्रयोग किया तथा कांगड़ा कला की लयात्मक रंग योजना को अपनाया। 1930 ईस्वी में अपने चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ इन्होंने अपने चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ किया, दैट मीन्स 1930 में इन्होंने पेंटिंग एग्जीबिशन स्टार्ट की कोलकाता में। इन्होंने फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कोलकाता में लगाई शैलोज मुखर्जी ने। 1944 ईस्वी में शैलोज मुखर्जी ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली में कला अध्यापन प्रारंभ किया। शैलोज मुखर्जी इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला विभाग में भी अध्यापन किया, वहां पे भी टीचर रहे थे। शैलोज मुखर्जी ने पेरिस के एकोल द ब्यू
एकल दबाजों के सदस्य भी रहे थे। इवन यहाँ आपको कलाकृति प्रदर्शनी करने का अवसर भी मिला था। वहाँ पर ये सदस्य भी थे, इवन वहाँ पर अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन भी किए थे। शैलोज मुखर्जी के चित्र एकोल द बाजार पेरिस में, एशियाटिक रोम और आर्ट्स एंड लेटर्स लंदन, द स्टूडियो लंदन, द वर्ल्ड रिव्यू लंदन एंड ईस्ट एंड वेस्ट में प्रकाशित हुआ। शैलोज मुखर्जी ने चित्र विदेशों में अधिक ख्याति मिली थी इनको, चित्र विदेशों में, फॉरेन में इनको ज्यादा पेंटिंग्स में चांसेस मिला, लाइक ज्यादा इन्होंने ख्याति प्राप्त की। शैलोज मुखर्जी की शैली अत्यंत प्राणवान तथा भारतीयता लिए है, विषय दैनिक जीवन, डेली लाइफ को कैप्चर करते थे। अगर सब्जेक्ट मैटर पूछा जाए क्या होता था इनका, शैलोज मुखर्जी का, तो डेली लाइफ को कैप्चर करते थे, जो डेली लाइफ में एटमोसफेयर को कैप्चर किया जाता है, लाइक हम लोग जैसे डेली लाइफ में पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसी तरह इन्होंने भी बनाए। नेक्स्ट देखिए, शैलोज मुखर्जी हेनरी मैटिस, मोदी ग्लानी से सबसे अधिक प्रभावित थे। शैलोज मुखर्जी चित्रों में मोदी ग्लानी के समान आकृतियों का लचकादार भंगिमाएं, दैट मीन्स आपको पता है कि मोदिग्लानी कैसी पेंटिंग करते थे, ये लंबी गर्दन बनाते थे। शैलोज मुखर्जी ने भी अपनी पेंटिंग्स में कुछ इस तरह के एटमोसफेयर, मतलब ये कह लें कि कुछ इस तरह से फॉर्म को कैप्चर किए थे। शैलोज मुखर्जी के चित्रों में राजपूत व मुगल शैली के चटकीले रंग योजना का यूज किया गया, राजपूत पेंटिंग के ब्राइट कलर्स का यूज किया गया था शैलोज मुखर्जी की पेंटिंग्स में। शैलोज मुखर्जी रेखांकन की अपनी पृथक विशेषता रही थी इनकी। शैलोज मुखर्जी पेरिस में अंकित चुंबन शेर से इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। चित्र खजुराहो कोणार्क का आधुनिक सफल संस्करण है। इस चित्र में मुखर्जी ने शास्त्रीय विषय को मौलिक विधि से चित्रित किए। शैलोज मुखर्जी का बौर शीर्ष चित्र कांगड़ा शैली तथा लोक कला की भावना के समन्वय का सुंदर उदाहरण था, बेस्ट एग्जाम्पल रहा था इनकी इस पेंटिंग का, बौर पेंटिंग। नेक्स्ट है, शैलोज मुखर्जी ने ऑयल कलर, टैल रंगों का व्यंग्य एवं लयात्मक रंगों के साथ अद्भुत सामंजस्य। ऑयल कलर की बात हो गई तो ऑयल कलर का जो टेक्निक होता है वो डार्क टू लाइट होता है। जैन वैन आइक ने इन्वेंशन किया था नीदरलैंड में, इवन भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने यूज किया, ठीक है। और ऑयल कलर में डिपर का यूज करते हैं, लिंसिड ऑयल और टेपेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं। ब्रश जो होता है वो हॉग हेयर ब्रश होता है। कुछ कुछ जो नेम आए ना, तो आप रिमाइंड किया करें कि हमने इससे रिलेटेड पढ़ा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। शैलोज मुखर्जी की पेंटिंग है नृत्य, है बहुत फेमस है इनकी वाली पेंटिंग, नृत्य डांस भी कह सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, वैसे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है लेकिन पेंटिंग आपको याद रखना है, नृत्य बहुत पेंटिंग फेमस है, ऑयल कलर में बनाए थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक क्यों फेमस थे? निकोलस रोरिक मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि मास्टर ऑफ माउंटेन किस आर्टिस्ट को कहा जाता है? निकोलस रोरिक को क्यों कहा जाता है मास्टर ऑफ माउंटेन? जस्ट बिकॉज इन्होंने लैंडस्केप को कैप्चर किया था ब्लू कलर के टोन में, इनका ब्लू फेवरेट कलर था। इवन बिलोंग करते हैं रूस, रशियन आर्टिस्ट है, इंडिया में, इंडिया का एटमोसफेयर इनको बहुत अच्छा लगा था, लाइक कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश का एटमोसफेयर, बेसिकली लैंडस्केप्स यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, फिर इंडिया में ही शिफ्ट हो गए थे। आर्टिस्ट निकोलस रोरिक का जन्म हुआ था 1874 में, 1874 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग में एक वकील के घर में हुआ था। भारत में रोरिक को हिमाचल की कुल्लू घाटी से बहुत प्रभाविता प्राप्त हुई थी, लाइक इन्फ्लुएंस थे हिमाचल के कुल्लू घाटी से। निकोलस सोरी की कला शिक्षा रूस से कंप्लीट हुई थी, ही वॉज रशियन आर्टिस्ट, ओके। इवन 2018 के JRF क्वेश्चंस पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है, पूछा गया था कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस डायरेक्टली पूछा गया था कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूस से। तो जितने भी आर्टिस्ट पढ़िए उनके डेट ऑफ बर्थ एक शॉर्ट
लिस्टेड नोट्स बनाइए, नोट करते रहिए। फिर भी भारत आकर अपने चित्र इन्होंने अपने चित्रकला की एक नई परंपरा स्थापित की है। रूसी दृश्य चित्रकार आर्कियन कोइंजी से इन्होंने एजुकेशन ली थी। स्टार्टिंग की एजुकेशन किससे लिए थे? आर्कियन कोइंजी, दैट मीन्स इनके जो टीचर थे वो आर्कियन कोइंजी थे। प्रारंभिक एजुकेशन जब ये रूस में रहे थे तो इनसे इन्होंने एजुकेशन लिया था। आर्कियन कोइंजी को आपको नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पर। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत निकोलस रोरिक ने स्वयं को चित्रकला के प्रति समर्पित कर दिया। इस कार्य के लिए रूसी संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान व्लादिमीर स्तासो ने इनकी बहुत तारीफ की थी। निकोलस रोरिक को बहुत प्रोत्साहित किया, एक्साइटेड किए कि पेंटिंग अच्छी बना रही, और भी बनाओ। ठीक, 1903 टू 1904 के टाइम ड्यूरेशन में मध्य रोरिक ने प्राचीन सभ्यता के चित्रों को अधिक बनाए। निकोलस रोरिक ने विशाल अलंकारिक भित्ति चित्र, पैनल पेंटिंग एवं मणिकुट्टम चित्र भी सृजित किए थे। निकोलस रोरिक 1928 में भारत में स्थानीय रूप से बस गए थे और यहीं पे इनकी डेथ भी हो जाती है, इंडिया में। इस अवधि में रोरिक ने हिमालय के असंख्य दृश्य, दैट मीन्स हिमालयस की बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने कैप्चर किए हैं। अरुणोदय, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात्रि, लाइक मूनलाइट, सनलाइट, इवन सनसेट, ठीक है, इस तरह से फॉगी इफेक्ट जो कोहरा वाला होता है, स्मोकी इफेक्ट, तो हर तरह को इन्होंने कैप्चर किया है। हिमालय के विभिन्न स्थितियों तथा स्थानों के अनेक चित्र बनाए थे। ये मात्र दृश्य चित्र न होकर आध्यात्मिक कलाकार की उदार अनुभूति है। इस चित्र में नीले रंग प्रमुख, मतलब इनकी चित्रों में बेस्ट कलर कौन सा था? ब्लू कलर। ब्लू कलर के लिए फेमस रहे हैं कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज़्यादा ब्लू कलर्स में पेंटिंग की? निकोलस रोरिक का फेवरेट कलर ब्लू कलर था। जिस तरह से मानिशी डे का पिंक कलर था, उसी तरह से इनका ब्लू कलर था। और आप लोगों का कौन सा कलर है, कमेंट कीजिए। अच्छा, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। रोरिक की कला में एक प्रकार की गहन संवेदना है जिसमें रहस्यमयी गरिमा भी समन्वित है। निकोलस रोरिक ने 1947 में पिता के समान कलाकार होने के साथ साथ लेखक, कवि, वैज्ञानिक एवं वकील भी थे, लॉयर भी रहे थे। निकोलस रोरिक ने हिमालय के साथ बाइबल, श्रम पीड़ित मानवता और भारतीय इतिहास को भी विषय बनाकर चित्रित किए थे। आर्टिस्ट रविशंकर रावल। रविशंकर रावल का जन्म हुआ था 1892 में गुजरात राज्य के भावनगर में। रविशंकर रावल ने 19 वर्ष की आयु में सजेज स्कूल ऑफ आर्ट से अपने एजुकेशन लिए थे, वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट इनरोल्ड हुए। रविशंकर रावल ने 1917 ईस्वी में बनाए चित्र बिल्ब मंगल शीर्षक चित्र पर बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति का स्वर्ण पदक अवार्ड भी मिला था। इनकी बिल्ब मंगल बहुत फेमस पेंटिंग रही थी, उनको गोल्डन अवार्ड, स्वर्ण पदक अवार्ड भी मिला था। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी, वार्षिक प्रदर्शनी की इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति रही थी। रविशंकर रावल ने प्रायः तैल पद्धति, मतलब ऑयल कलर में इन्होंने महापुरुषों के व्यक्ति चित्र से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किए। रविशंकर रावल ने अहमदाबाद से कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। रविशंकर रावल ने अपने घर पर ही कला शिक्षण केंद्र की स्थापना की। रविशंकर रावल के शिष्यों में कनु देसाई, सोमलाल शाह, रसिकलाल पारिख आदि प्रमुख कलाकार रहे थे। रविशंकर रावल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाए थे, अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां भी रेडी की हैं। इवन रविशंकर रावल ने गुजरात भाषा में अजंता कला मंडप, भारतीय चित्रकला, कलाकारनी, संस्कार यात्रा तथा
कला चिंतन नामक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 1953 1953 ईस्वी में रविशंकर रावल ने रूस की सांस्कृतिक यात्रा की थी। रविशंकर रावल ने 1954 में उद्घाटित होने वाली ललित कला एकेडमी में सौराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्हें सम्मानित सम्मानित किया गया। वहाँ पे सम्मानित हुए थे रविशंकर रावल ने। हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ श्री के एम मुंशी नामक चित्र श्रृंखला में 35 कलरफुल पेंटिंग्स रेडी किए थे। रविशंकर रावल बाल्यकाल से ही राजा रवि वर्मा से इन्फ्लुएंस थे। महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर रविशंकर रावल ने एकेडमी शैली को त्याग दिया था। रविशंकर रावल का मत था कि कला अविराम उपासना चाहती है। इनके चित्र में चित्र की तन्मयता के बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती। सौंदर्य ही विश्व को तरल स्पंदित कर रहा है। कला व सौंदर्य संजीवनी है जो बुझते प्राणों में जीवन प्रतिष्ठा कर देते हैं। रविशंकर रावल एम रावल को मायो मेडल सजेजी स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्वर्ण पदक भी मिला था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का रजत पदक मिला। साहित्य परिषद का कला कालिदास पुरस्कार भी मिला था। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला। भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जॉर्ज किट। जॉर्ज किट बेसिकली श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। जॉर्ज किट का जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका के कैंडी में हुआ था। श्रीलंका में कौन सी वाली गुफा बहुत फेमस रही है? सिगिरिया के लिए फेमस है ना, सिगिरिया के लिए श्रीलंका। नेक्स्ट लाइन देखिए। जॉर्ज किट के पिता भारतीय मूल के और माता जो थी वो डच थी। इनके फादर इंडियन थे और मदर डच थी और ये श्रीलंका से थे, वहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था। जॉर्ज किट जन्म से सिंहली किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय थे। मतलब बॉर्न प्लेस तो उनका रहा था श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। इवन इंडिया से बिलोंग करते हैं क्योंकि जो सांस्कृतिक दृष्टि थी, लाइक कह लें कि इनका जो नेशनैलिटी रहा था वो इंडिया था। उच्च शिक्षा के लिए जॉर्ज किट ने कैंडी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कला में विशेष रुचि के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब उनको पेंटिंग ज़्यादा पसंद थी। 1926 में जॉर्ज किट ने चित्रकला के प्रति समर्पित रहने लगे। जॉर्ज किट ने हिंदू तथा बौद्ध धर्म कला और साहित्य का गंभीर अध्ययन किए थे। जॉर्ज किट की कला में भारत, यूरोप तथा श्रीलंका की कला में शैलियों का विशिष्ट सम्मिश्रण दिखाई देता है। 1928 1928 ईस्वी में जॉर्ज किट को सिलोन आर्ट क्लब का सदस्य मनोनीत किया गया था। जॉर्ज किट को सिलोन आर्ट क्लब जो है मनोनीत किया गया था, कब? 1928 में, जिस टाइम आईफैक्स की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। देखिए ऐसा है नहीं, वो तो उसका टाइम है ही, लेकिन मैं यहाँ रिलेट करके आपको बता दी। इसी टाइम ड्यूरेशन में सिलोन आर्ट क्लब की स्थापना हुई थी। इनको सदस्य मनोनीत किया गया था, जॉर्ज किट को। जॉर्ज किट ने कृष्ण व गोपियों, दृश्य चित्र तथा श्रीलंका के जनजीवन पर भी चित्रण किए थे। जॉर्ज किट के बनाए इन चित्रों पर सजान, पॉल गॉगेन तथा पिकासो का प्रभाव दिखाई देता है। दैट मींस जॉर्ज किट बेसिकली इन्फ्लुएंस थे पॉल सजान, पॉल गॉगेन और पैब्लो पिकासो से। पॉल सेजान बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। पॉल गॉगेन बिलोंग करते हैं ऑल्सो, ही वॉज अ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म मेंबर, ये जन्मदाता थे, ये उसके मेंबर रहे थे। पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट घनवाद से। जॉर्ज किट ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण किया। जॉर्ज किट के अमूर्तता चित्रों में रेखाओं का आधिक्य है।
आपके इस समय के चित्रों में संश्लेषणात्मक घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। बेसिकली जो आर्ट मूवमेंट चला था क्यूबिस्ट में, उसमें टू डायरेक्शंस थे ना, टू डिवाइडेशन था। एक था संश्लेषणात्मक सिंथेटिक क्यूबिज्म और सेकेंड है एनालिटिक क्यूबिज्म विश्लेषणात्मक। ठीक है, जॉर्ज किड द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र पिकासो से मिलते जुलते हैं। लाइक इन्होंने जो स्टील लाइफ बनाई है वो पिकासो से मिलते जुलते हैं। 1936 में जॉर्ज किड ने हिंदू पौराणिक आख्यानों तथा काव्यों के आधार पर चित्रण प्रारंभ किया। इनमें जयदेव कृति गीत गोविंद पर आधारित कृष्ण राधा की प्रणय लीला का विषय प्रमुख रहा था। जॉर्ज किड की वर्षा विहार सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। वर्षा विहार 1939 में लगभग जॉर्ज किट ने कोलंबो के गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र अंकित किए, जो ऑयल कलर में बनाए थे। तैल रंगों में आपकी कला शैली को सर्वोत्तम उदाहरण दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। 1943 में श्रीलंका में ग्रुप 43, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स, ग्रुप 43 की स्थापना कहाँ किए थे? श्रीलंका में। कब किए थे? 1943 में। कौन किया था? जॉर्ज किट ने। जॉर्ज किट इसके संस्थापक सदस्य कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो इसका गठन किया, स्थापना किए थे ग्रुप 43 का श्रीलंका में 1943 में। 43 43, बस आपको ये पता रहना रखना है कि 43 की स्थापना हुई थी श्रीलंका में जॉर्ज किट के थ्रू। कब हुई थी? 43 में हुई थी। 90 ऐड कर लीजिएगा जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए बोल रही थी। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। जॉर्ज किट के जीवन चित्रों की प्रेरणा हिंदू तथा बौद्ध कथा रही थी। जॉर्ज किट ने जातक कथाओं, नायिका, राग रागिनी, कृष्ण लीला एवं श्रीलंका के जनजीवन तथा प्रकृति का संबंधित चित्र का अंकन भी किए थे। जॉर्ज किट के गीत गोविंद के चित्र विशेष प्रसिद्ध रहे थे। इनकी जो पेंटिंग थी गीत गोविंद से रिलेटेड, इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे। जॉर्ज किट के कला पर सिजान, पॉल गॉगेन, पिकासो के साथ अजंता सिगिरिया, चोल कालीन, कांस्य प्रतिमाओं, कैंडी के लोक कला एवं दक्षिणी भित्ति चित्रण, रविन्द्रनाथ टैगोर का इन्फ्लुएंशियल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इतने लोगों से ये प्रभावित थे। जॉर्ज किट ने सिजान से वस्तुओं के ढांचे को समझा। दैट मीन्स सिजान जो थे वो शेप्स को जो कैप्चर करते थे, उनसे इन्होंने शेप्स को समझे थे जॉर्ज किट। गॉगेन से इन्होंने रंग की इंद्रिय अनुभूति को कैप्चर किए थे, कलर स्कीम को। अजंता तथा सिगिरिया, देखिए जॉर्ज किट के तो शेप्स को कैप्चर, जॉर्ज किट ने सेजान के शेप्स को कैप्चर कर लिए थे, ऑब्जेक्ट वगैरह को। इवन पॉल गॉगेन्स के जो कलर स्कीम थे उनको कैप्चर किए। अजंता सिगिरिया से रेखा तथा शास्त्रीय माधुर्य सीखा इन्होंने। दक्षिण भारत की काश्य प्रतिमाओं से लय तथा गति में ओज का अनुभव प्राप्त किया। लोक कला से स्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति अपनाई है इन्होंने। रविन्द्रनाथ ठाकुर से सहजता के गुण प्राप्त किए। नेक्स्ट है जैनुल आबदीन। अगर पूछा जाए कि जैनुल आबदीन किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो कोलकाता आर्ट ग्रुप जो था, कोलकाता स्कूल कह रही हूँ, रियली सॉरी, कोलकाता जो ग्रुप चला था 1943 to 53, इस ग्रुप के मेंबर रहे थे जैनुल आबदीन। इन्होंने बाद में आकर यहाँ पे एज ए मेंबर इनरोल्ड हुए थे। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। जैनुल आबदीन का जन्म 1917 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था। जैनुल आबदीन का महत्व कला के साथ भारतीय आधुनिक कला के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए रहा था। जैनुल आबदीन ने 40 वर्ष तक कला सृजन किया। जैनुल आबदीन की प्रारंभिक कृतियों में गरीब व दुखी लोगों का चित्रण मिलता है। 1943 में बंगाल के अकाल से आप बहुत द्रवीण हुए।
जैनुल आबदीन ने रेखा चित्रों में दुःस्वप्न एवं ऐसी प्रकृतियों को रिप्रेजेंट किए थे, अभिव्यक्ति दी। इन रेखांकनों स्केच को जैनुल आबदीन ने स्याही से कैप्चर किए थे। जो स्केचेस करते थे वो इंक से करते थे। ऊर्जापूर्ण गति जीवंतता थी, काफ़ी मतलब इफेक्टिव पेंटिंग्स बनाए थे। उदाहरण के रूप में मनपुरा आइलैंड 1970 नामक कुंडली चित्र भी इन्होंने बनाया। 1970 में इनकी फेमस पेंटिंग रही थी मनपुरा आइलैंड जैनुल आबदीन की 1970 के टाइम ड्यूरेशन में बनाए थे। जैनुल आबदीन ने कला के लिए सिद्धांत में कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि अपने संवेदनशील कला को दैनिक जीवन से संबंधित माना। डेली लाइफ को कैप्चर करते थे और वो अपने डेली लाइफ से रिलेट करके बनाते भी थे। 1947 में जैनुल आबदीन कोलकाता से बांग्लादेश तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान चले गए। प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर, देखिए बहुत फेमस आर्टिस्ट है, इवन लैंडस्केप के लिए फेमस रहते। और ये थे कौन, तो आपने SH रजा का नाम सुना होगा। SH रजा पैग ग्रुप के मेंबर है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 या 48 के टाइम ड्यूरेशन में। इस ग्रुप के मेंबर थे SH रजा। SH रजा के टीचर थे वाल्टर लैंगहैमर, ठीक है। इवन वाल्टर लैंगहैमर इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, इंडिया में आके शिफ्ट हो गए थे। चलिए इनकी हिस्ट्री देख लीजिए। 1937 में बॉम्बे मुंबई आने से पूर्व प्रोफेसर लैंगहैमर वियना ऑस्ट्रिया के स्टेट कॉलेज ऑफ आर्ट्स से कला अध्ययन किया करते थे। मुंबई के कला जगत में ये व्यक्ति चित्रकार, दृश्य चित्रकार के रूप में विख्यात थे। इवन SH रजा ने इनसे लैंडस्केप के एजुकेशन लिए थे। कला की दृष्टि से लैंगहैमर उत्तर प्रभाववादी शैली के अनुयायी थे। कृष्ण हावलाजी आरा तथा सैयद हैदर रजा, कृष्ण हावलाजी आरा और सैयद हैदर रजा पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा था। क्यों विशेष प्रभाव पड़ा? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन लिए थे। आरा और रजा बिलोंग करते हैं पैग ग्रुप से, इन्होंने वाल्टर लैंगहैमर से एजुकेशन लिए थे इसलिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, रजा से वाल्टर लैंगहैमर का गुरु शिष्य का संबंध था, दैट मीन्स टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप रहा था। प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रोत्साहनों के भी आर्ट डायरेक्टर रहे थे। भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत प्रोफेसर लैंगहैमर विशेष रूप से अभिव्यंजनावादी कला का प्रचार किया इन्होंने। आर्टिस्ट हैं, उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे ये सारे बुक्स में भी होते हैं, इवन इस बुक का PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए एक बार आज रिविजन करा देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1871-1951 में इनकी मृत्यु। असित कुमार हल्दर 1890 में जन्म हुआ और 1964 में मृत्यु। क्षितिजनाथ मजूमदार 1891 में जन्म, 1975 में मृत्यु। शैलेंद्र डे का जन्म हुआ था 1871 में मृत्यु। के वेंकटप्पा का जन्म हुआ 1865 में इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई बॉर्न टाइम रहा था 1869 और डेथ 1975। शादा चरण उकील 1888 और इनकी डेथ हुई है 1940। मुकुल चंद्र डे 1885-1989 में इनकी मृत्यु। मानिशी डे 1912 में जन्म हुआ, 1967 में मृत्यु। सुधीर रंजन खासगी 1907 जन्म, 1974 मृत्यु। रामगोपाल विजयवर्गीय 1905 में इनका जन्म, 2003 में मृत्यु। नंदलाल बोस
1882। अच्छा देखिए, यहाँ इस बुक में 1882 दिया है, किसी बुक में दिया होता है 1883, तो दोनों टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है। अब मृत्यु हुई है 1966। यामिनी रंजन राय, जैमिनी राय जिन्हें कहा जाता है, इनका जन्म हुआ है 1887 और 1972 में मृत्यु। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में बॉर्न टाइम रहा था और 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। गगनेंद्रनाथ टैगोर 1867 और डेट टाइम 1938। रविशंकर एम रावल, रविशंकर रावल 1892 में जन्म हुआ और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अमृता शेरगिल, 1913 में जन्म हुआ था हंगरी में, बुदापेस्ट और लाहौर में 1941 में इनकी मृत्यु। सैलोज मुखर्जी, इनका जन्म हुआ 1907, 1960, 1960 में मृत्यु। निकोलस रोरिक मास्टर ऑफ माउंटेन आर्टिस्ट रहे थे, 1874 में इनका जन्म और 1947 ने मृत्यु। देखिए बस इसको इधर रिप्लेस करना था, ठीक है, 74 में जन्म और 47 में मृत्यु। जॉर्ज किट 1901 में जन्म हुआ था और 1993 इनका डेड टाइम रहा था। जैनुल आबदीन 1917 और इनकी मृत्यु 1970, 1917 में पैदा हुआ, 1974 में मृत्यु हो गई थी। ईवी हैवेल 1861 में जन्म और 1934 में इनकी मृत्यु। कनु देसाई 1907, 1980 इनका डेड टाइम रहा था। लास्ट आर्टिस्ट है समरेंद्र नाथ गुप्त, क्यों फेमस रहे थे, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, 1887 में जन्म और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। बंगाल स्कूल के कलाकार आर्टिस्ट अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल का टाइम ड्यूरेशन है 1895 टू 1920। ये टाइम तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, मुझे जहाँ तक यकीन है, मैंने इतनी बार रिवाइज करा दिया है। और वॉश टेक्निक के लिए फेमस रहे थे, वॉश टेक्निक के लिए अवनीन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल स्कूल कोलकाता कोलकाता स्कूल में इन्होंने वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किया था। इनकी फेमस पेंटिंग है कृष्ण लीला चित्र श्रृंखला, मुगल चित्र श्रृंखला, मास्क सीरीज, कृष्ण मंगल चित्र सीरीज और अरेबियन नाइट्स। बहुत फेमस है अरेबियन नाइट्स, इवन आपको काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अरेबियन नाइट्स पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। बर्ड सीरीज अवनींद्रनाथ टैगोर की, ताज चित्र श्रृंखला, फाल्गुनी चित्र श्रृंखला, दार्जिलिंग चित्र श्रृंखला। नेक्स्ट आर्टिस्ट है असित कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में से इंक्लूड होते हैं। असित कुमार हल्दर 1925 टू 45 लखनऊ कला विद्यालय में एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे और भारतीय प्रथम कला टीचर कहे जाते हैं लखनऊ कला विद्यालय के असित कुमार हल्दर। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है उमर खयाम की रुबाइयाँ। आर्टिस्ट हितेंद्रनाथ मजुमदार ऑल्सो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर। और चैतन्य श्रृंखला बहुत फेमस रही है, और कहाँ पर एज ए टीचर टीचिंग कराए थे, 1942 के टाइम ड्यूरेशन में, जहाँ हम लोग रहते हैं लाइक इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शैलेंद्र नाथ डे, मेघदूत चित्रावली, के वेंकटप्पा। शैलेंद्र नाथ डे टीचर कहाँ पर रहे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट हैं, और शैलेंद्र नाथ डे टीचर थे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में। के वेंकटप्पा मैसूर कला विद्यालय में टीचर रहे थे, ही वॉज द ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। इनकी फेमस पेंटिंग थी मेघदूत श्रृंखला चित्रावली शैलेंद्र नाथ डे की, किसके कहने पर इन्होंने बनाया, राय कृष्णदास के कहने पर। ठीक है, के वेंकटप्पा इनकी है भिक्षा मांगते बुद्ध राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। अब्दुल रहमान चुगताई, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट रहे थे। इवन अब्दुल रहमान चुगताई माया कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में भी एजुकेशन वहां से कंप्लीट किए थे, और अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट्स के साथ साथ अब्दुल रहमान चुगताई की सबसे बेस्ट आर्ट जो रही थी, इन्होंने कलर्स की बारीकियों, मतलब बहुत प्यारे से कलर्स को चूज किए थे, और इनकी ग्लूमिंग राधिका जो है वो
पैरेट कलर्स में डिपिक्ट की गई है पेंटिंग, एक बार आप देखिएगा। वॉश एंड टेम्परा में बनाई गई है, वॉश एंड टेम्परा टेक्निक में, काफी फेमस पेंटिंग है। इसका पिक्चर जरूर देख लीजिएगा, लाइक अगर 2023 वाला आप जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील की फेमस शारदा चरण उकील का फेमस पेंटिंग है बुद्ध के जीवन पर चित्र श्रृंखला। शारदा चरण उकील, उकील स्थापना किए थे ना उकील कॉलेज ऑफ आर्ट्स 1926 में दिल्ली में, मानिशी डे। इनकी है भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला। सुधीर रंजन खास्तगीर, अच्छा मानसी डे एक ऐसे कलाकार हैं, इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से स्टूडेंट टीचिंग मतलब टीचिंग एजुकेशन ली, इवन नंदलाल बोस से भी। इनके टीचर नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों लोग थे। सुधीर रंजन खास्तगीर, अभी ये नंदलाल बोस के स्टूडेंट आ गए हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं। माओ शिशु, तूफान में यात्रा, बाउल डांस। बाउल डांस बहुत फेमस थी सुधीर रंजन खास्तगीर की, ठीक है। तीनों पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है राम गोपाल विजय वर्गीय, शैलेंद्र डे के स्टूडेंट थे। इनका है राधा का श्रृंगार। इवन राम गोपाल विजय वर्गीय ने मेघदूत श्रृंखला भी बनाया। मेघदूत श्रृंखला किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर, अपने ही टीचर शैलेंद्र डे से। नेक्स्ट आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, गंगा अवतरण, गांधी के दांडी यात्रा, नटी पूजा। ये तीनों पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदलाल बोस किसके स्टूडेंट थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में इंक्लूडेड होते हैं नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर। यामिनी रंजन रॉय बेसिकली फोक आर्ट के लिए फेमस थे, और टेम्परा टेक्निक में, टेम्परा इनकी टेक्निक पूछी जाती है हमेशा एग्जाम में, टेम्परा टेक्निक। ईसा मसीह श्रृंखला, कृष्णा और राधा श्रृंखला, माँ शिशु श्रृंखला, मदर टेरेसा श्रृंखला, ये सारी पेंटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी फेमस पेंटिंग है स्त्री मुखाकृति, मशीन मैन और ट्रीज, सारी इंपॉर्टेंट है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर, क्या रिलेशनशिप था गगनेन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर अंकल थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर, दे बोथ आर ब्रदर्स एंड ही वॉज हर अंकल, ओके। आंधी में तूफान, अर्जुन व चित्रांगदा, माया कानन, फेमस पेंटिंग है गगनेन्द्रनाथ टैगोर की। इवन गगनेन्द्रनाथ टैगोर भारत के फर्स्ट क्यूबिस्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं। अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल की फेमस रही है पार्वती स्त्रियां, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार, ब्राइड टॉयलेट, फल बेचने वाले। शैलोज मुखर्जी, पतझड़ की तूफानी हवा, सफल स्वप्न, निकोलस टोरिक, हिमालय श्रृंखला, जॉर्ज किट, गीत गोविंद, जैनुल आबदीन, मनपुरा आयरलैंड 1970, बहुत फेमस है इनका मनपुरा आयरलैंड 1970। सो फाइनली डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गए हैं, देन एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम बूस्टर लाइक वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। देखिए इस साइड पूरा ईयर दिया हुआ है, मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा, आई थिंक सफिशियंट है, इतना क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। 19वीं शती के उत्तरार्ध में लगभग मृतप्राय हो चुकी, किसकी हो चुकी थी, भारतीय चित्रकला की। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। वह भारतीय कलाकार जिसको 1950 में डिलीट की उपाधि मिली थी, नंदलाल बोस को कहाँ से मिली थी 1950 में, BHU से मिली थी, ठीक है। भारत माता को चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस टेक्निक में, वॉश टेक्निक में। कब किए थे, 1905 में किए थे। अगर इस तरह के ब्रीफली क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं लास्ट क्लास में वीडियोस, तो ज़रूर लास्ट क्लास का वीडियो देखिएगा। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप रही थी भारत माता। विख्यात कला समीक्षक जिसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किए, उनका नाम था डॉक्टर आनंद कटिंगर कुमार स्वामी।
आनंद कुमार स्वामी, बंगाल स्कूल में लघु चित्र से संबंधित नहीं है, बंगाल स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित नहीं था, ग्रीक रोमन कला का प्रतिनिधित्व। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल के प्रतिनिधित्व किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर को। देखिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल आर्ट स्कूल। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इस तरह से जिस भी तरह से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आ जाए, आंसर हमारा एक ही होना चाहिए। ओके, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में 1930 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी, उस स्कूल का क्या नाम था? बंगाल स्कूल नाम था। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, मैं एक बात यहाँ और क्लियर करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन को मैं राइट नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप कुछ एक सॉलिड कंटेंट देखिएगा, वहां पे कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा ईवी हैवेल ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए ये करेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में ईवी हैवेल होता तो कौन करेक्ट हो जाता? ईवी हैवेल। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता ईवी हैवेल को कहा जाता है। इवन जब ऑप्शन में नहीं होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, देन अवनींद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं थे इसलिए ये करेक्ट हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि ईवी हैवेल भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहे जाते थे। बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने प्रयोग किया था वॉश टेक्निक का, वाटर कलर से की जाती है। फर्स्टली वॉश टेक्निक इंडिया में स्टार्ट हुई थी बंगाल स्कूल में। इवन वर्ल्ड में पहली बार पॉल सैंडबाय के थ्रू, पॉल सैंडबाय बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, इन्होंने फर्स्ट टाइम वाटर कलर का इन्वेंशन किए थे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। पूछा जाता है कि पॉल सैंडबाय कहाँ से बिलोंग करते हैं जिन्होंने वाटर कलर का इन्वेंशन किया है? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अब बेसिकली इस कलर्स में होता है क्या है वाटर कलर में, तो ये एक लाइट टू डार्क प्रोसेस है, हल्के से गाढ़े की तरफ। इसमें वाइट कलर का यूज़ नहीं किया जाता है, उस एरिया को जहाँ पर पेंटिंग करते हैं वाइट, जहाँ पर छोड़ना होता है उस एरिया को बिल्कुल वाइट ही छोड़ देते हैं, वाइट कलर का यूज़ नहीं करते। इवन यहाँ पर स्क्वेल हेयर ब्रश का यूज़ करते हैं, जो सॉफ्ट गिलहरी के बालों वाली होती है वो वाली, और हैंडमेड पेपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला दिखाई देती है क्यूबिज्म स्टाइल घनवादी। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत शिल्प के षडांग, भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला के पिता कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्रेंद्रनाथ मजूम द्वारा चित्रित चित्र अभिसारिका फेमस पेंटिंग रही थी, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित की गई थी। बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं, बंगाल स्कूल के चित्रकार नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा लीनोकट में बनाए थे। राम किंकर बैच की कला शिक्षा शांति निकेतन से कंप्लीट हुई। चित्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत कला का, संत चित्रकार, भाव का सम्राट। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली अवनींद्रनाथ टैगोर की, इसके लेखन रहे थे इनकी पुस्तक। विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी 1915 में, जिसमें टोटल 30 मेंबर्स या 35 मेंबर्स कहीं लिखा होता है, और इसकी स्थापना किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर मिलकर के। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोड़ासाको पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? 1871 में। यशोधर के चित्र, पंडित यशोधर का जो चित्र षडांग था उसको पुनर्व्याख्या किसने किया?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने टैगोर परिवार से संबंधित नहीं थे, राजेंद्र नाथ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन, राजेंद्र नाथ यहाँ नहीं थे। और कौन कौन थे टैगोर परिवार से, लाइक गगनेनाथ हो गए, अवनींद्रनाथ, रविन्द्रनाथ। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य थे ईवी हैवेल, कब बने थे, 1896 में, इससे पहले 1884 में टीचर रहे थे मद्रास कला विद्यालय में। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ये कोटेशन किसका था, ईवी हैवेल। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्र कार्य हुआ वॉश टेक्निक में। वॉश टेक्निक विशेषता के कारण जानी जाती है, वॉश टेक्निक बंगाल चित्र शैली। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां गुआश टेक्निक में बनाई गई थी। भारत माता के रचना थे अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता पेंटिंग 1905 में पेंट किए थे वॉश टेक्निक में। बंगाल स्कूल के चित्रकार थे जितेंद्रनाथ मजूमदार। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कहे जाते हैं ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला शैली जानी जाती थी वॉश टेक्निक के लिए, वह कलाकार जिसने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, यामिनी रॉय ने। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, रथिन मिश्रा नहीं है, रथिन मिश्रा बिलोंग करते हैं कोलकाता ग्रुप से। वॉश पेंटिंग की शुरुआत हुई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। बंगाल शैली के प्रथम एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव के जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन करते थे जितेंद्रनाथ मजूमदार। औरंगजेब का बुढ़ापा प्रसिद्ध था अवनींद्रनाथ ठाकुर की पेंटिंग। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था आधारशिला रखी गई थी भारतीय चित्रकला अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर बेसिकली वॉश टेक्निक वाटर कलर के लिए फेमस थे। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग टेक्निक जो विकसित हुई थी, एक्सप्लोर हुई थी बंगाल स्कूल में। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है, ईश्वरी प्रसाद नहीं है, कहाँ से बिलोंग करते ईश्वरी प्रसाद, कंपनी स्कूल से। कंपनी स्कूल की स्थापना हुई थी 1943 में पीसी मानक के थ्रू, पीसी मानक के थ्रू, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद कंपनी स्कूल के लास्ट आर्टिस्ट हैं, प्रथम कलाकार थे सेवक राम और अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट लाइन है, भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्रित किए गए थे नंदलाल बोस ने। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सुसज्जित होता था नंदलाल बोस के थ्रू। न्यू बंगाल के कलाकार कहे जाते हैं नंदलाल बोस, ठीक है। न्यू बंगाल के आर्टिस्ट नंदलाल बोस कहे जाते हैं। नंदलाल बोस का नाम जुड़ा था शांति निकेतन से। शांति निकेतन में 1922 1922 में टीचर बने थे कौन, नंदलाल बोस। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाया था नंदलाल बोस ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक बने थे टीचर जितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 के टाइम ड्यूरेशन में। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागृति का श्रेय जाता है बंगाल शैली को। बंगाल शैली के जनक कहे जाते थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए थे, आपने चित्र बनाए थे, इन्होंने चित्र बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे, इटालियन चित्रकार गिलहार्डी से इन्होंने इटालियन पेंटिंग टेक्निक सीखी, एवं इन्होंने पेस्टल कलर किससे सीखा था, पेस्टल कलर के इनके टीचर थे चार्ल्स पामर, ठीक है। वह चित्रकार जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किए गगनेंद्रनाथ टैगोर। मृत्यु शैया पर शाहजहां अवनींद्रनाथ टैगोर की फेमस पेंटिंग है। राधिका को चित्रित किया था अवनींद्रनाथ
अब्दुल रहमान चुगताई ने, और पूरा नाम है ग्लूमिंग राधिका, पेंटिंग का नाम है ग्लूमिंग राधिका, वॉश एंड टेम्परा में बनाई गई थी। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन किसने बनाया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। वह चित्रकार जिसने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को सजाने का कार्य किए थे, नंदलाल बोस। भारत माता और संध्या देव फेमस पेंटिंग थी अवनींद्रनाथ टैगोर की। पेंटिंग कार्य के लिए वह कलाकार स्टूडियो जिसका उपयोग जापानीज कला याकोयामा ताइकोन द्वारा किया गया था, अवनींद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता से संबंधित डांडी मार्च को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। डांडी मार्च क्या है ये भी याद रखना है आपको, लीनो कट, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया था, इसका गठन किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कब हुआ था? 1907 में। उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की विजय बहुत फेमस पेंटिंग है, मरीना बे चेन्नई में बनाई गई थी, इवन दिल्ली में भी बनाई गई है, नगमा में, नेशनल गैलरी ऑफ नगमा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। किसने बनाया है? डीपी रॉय चौधरी। डीपी रॉय चौधरी की फेमस स्कल्प्टर है मूर्ति। शाहजहां की मृत्यु फेमस पेंटिंग थी अवनींद्रनाथ टैगोर की। शांति निकेतन में हिंदी भवन में भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत चित्रित किए थे विनोद बिहारी मुखर्जी। बंगाल स्कूल का कलाकार जो प्रकाश वर्णक्रम लाइक स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था, घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट के भली भांति इन्होंने चित्रित किया, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। वह चित्रकार जिसने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किए थे, नंदलाल बोस। भारत में पुनरुत्थान कला आंदोलन जिसे बोलते हैं रिनेसेंस आर्ट टाइम ड्यूरेशन, यहाँ भी रॉन्ग प्रिंटिंग हो गया, रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट के अधीनक रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए बंगाल स्कूल को पुनरुत्थान कला विद्यालय, रिनेसेंस आर्ट, भारत का रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट कहा जाता है, एवं ठाकुर शैली के नेम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्र है द अरेबियन नाइट्स, बहुत फेमस पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। शांति निकेतन में मिडेवल हिंदू संत म्यूरल रेडी किए थे विनोद बिहारी मुखर्जी। देखिए ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप एज्यूम कीजिए कितने एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, इवन फ्यूचर में भी इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, तो इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन भी कीजिए और रोटेट माइंड में सेट कीजिए। शिव का विस्पान नंदलाल बोस की पेंटिंग है। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर चित्रित किए थे नंदलाल बोस। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे नंदलाल बोस। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया है, नेक्स्ट लाइन है छितिनाथ मजूमदार। छितिनाथ मजूमदार कलाकार थे बंगाल स्कूल के कलाकार थे। मुर्गी के साथ सांथाल महिला, राम किंकर बैच की फेमस स्कल्प्टर, राम किंकर बैच चित्र था। देखिए सिर्फ सांथाल फैमिली पूछा जाए, सांथाल फैमिली तो फेमस मूर्ति है राम किंकर बैच की, और मुर्गी के साथ सांथाल महिला ये चित्र था पेंटिंग था राम किंकर बैच का। पश्चिम बंगाल के चित्रकार और भित्ति चित्रकार जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किए, विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी ट्री लवर फेमस पेंटिंग है विनोद बिहारी मुखर्जी की। नंदलाल बोस के कलाकार जीवन के मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए थे, अजंता भित्ति चित्र की पेंटिंग्स देखने के बाद इनकी पेंटिंग्स में चेंजेस आए थे। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार है नंदलाल बोस। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित है बंगाल शैली से। वह कलाकार जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, विनोद बिहारी मुखर्जी। 3 बार इनका रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक जमीन जोतने वाला भारतीय किसान टेम्परा टेक्निक में बनाया गया था।
कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हल्दर। कब बने थे? 1925 में बने थे, 1945 तक थे, और 1911 में लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम स्टूडेंट टीचर कहे जाते हैं नथेलियन हार्ट, और प्रथम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे एज ए टीचिंग, तो देखिए नथेलियन हार्ट थे, और एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे आर्टिस्ट ललित मोहन सेन, और बाद में जो भारतीय प्रथम कहे जाते हैं वो असित कुमार हल्दर थे। सत्यजीत रे द्वारा निर्मित, क्या लिखा हुआ है, थर्ड आइज लघु चित्र है, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित। थर्ड आइज नहीं होना चाहिए, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर कहा जाता है ना, आइज ऑफ पेंटर, विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर डिपिक्ट किया गया था। किसने? सत्यजीत रॉय ने मूवी बनाई थी। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय अधिकांश थे महिला। ये जेआरएफ का क्वेश्चन है, इवन ये जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। इनके जो पेंटिंग बनाने का सब्जेक्ट होता था वो महिला। नंदलाल बोस शिष्य थे, किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। भारतीय चित्रकला पद्धति बहुत फेमस पुस्तक है शैलेंद्र डे की। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां रेडी की है 1921 में। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध थे नंदलाल बोस। वह भारतीय चित्रकार जिसको सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड मिला था सुधीर रंजन खास्तगीर। कब मिला था? 1957 में मिला था, और 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर एज ए टीचिंग इनरोल्ड हुए थे एज ए टीचर, कहाँ पर? यहाँ पर लखनऊ कला विद्यालय में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हल्दर। पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस। कब मिला था इनको पद्म भूषण अवार्ड? और इनको फर्स्ट टाइम भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार पद्म विभूषण अवार्ड पहली बार 1954 में मिला था नंदलाल बोस को। वह कलाकार जिसने गीतांजलि के लिए चित्र बनाए थे, नंदलाल बोस ने गीतांजलि के लिए पेंटिंग्स बनाए थे। अब गीतांजलि है क्या? तो ये एक ग्रंथ थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। औरंगजेब का वृद्धावस्था फेमस पेंटिंग राज्य पुस्तकालय रजल लाइब्रेरी रामपुर में है, ये भी जेआरएफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में क्षितिनाथ मजूमदार की फेमस पेंटिंग है। क्षितिनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे क्षितिनाथ मजूमदार। नेक्स्ट लाइन है, टैगोर का व्यक्तिचित्र रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कृति है टैगोर का व्यक्तिचित्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर के ही नेफ्यू अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए टैगोर का व्यक्तिचित्र। अमृता शेरगिल द बनाना सेलर्स, नंदलाल बोस नटी पूजा, रविन्द्रनाथ टैगोर उमर खयाम, विनोद बिहारी मुखर्जी मध्यकालीन संत। बस ये लास्ट पेज है, ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था बिहार में। कब हुआ था? 1882 के टाइम ड्यूरेशन, कहीं पे 83 टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है, दोनों आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचित ये गीतांजलि के लिए चित्र किसने रेडी किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर। मुंगेर कौन सा जगह है? तो ये बिहार का एक पार्ट है मुंगेर, वहां पर इनका जन्म हुआ था नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस शांति निकेतन कला विद्यालय से प्रारंभ हुए वॉश पेंटिंग का इन्वेंशन हुआ था। समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली के प्रभाव सर्वाधिक थे असित कुमार हल्दर पर, सबसे ज्यादा असित कुमार हल्दर पे ये रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? सुनैना देवी। सुनैना देवी प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं कवि चित्रकार के रूप में। चैतन्य का गृह त्याग चित्र था क्षितिनाथ मजूमदार द्वारा बनाया गया।
अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं थे, गोपाल घोष नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि गोपाल घोष बिलोंग करते हैं कोलकाता स्कूल से, और कोलकाता स्कूल का मतलब कोलकाता ग्रुप से, और अवनींद्रनाथ टैगोर बिलोंग करते हैं कोलकाता स्कूल से। ठीक है, कोलकाता स्कूल और कोलकाता ग्रुप में बहुत डिफरेंस है। वह चित्रकार जिसने बाग अजंता जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की, असित कुमार हल्दर। बाग जोगीमारा और अजंता कब किए थे ये भी देख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन, बाग की प्रतिलिपियां रेडी किए थे 1921 में, अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां रेडी किए थे 1910 में, जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां रेडी किए थे 1914 में। ठीक है, ये भी टर्म्स आपको याद रहने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन देखिए, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या रही थी? भारतीय ग्राम्य जीवन। शिल्पकला व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन थे? नंदलाल बोस। शांति निकेतन के कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 में। नंदलाल बोस, इनका जन्म हुआ था बिहार में 1937-38 में। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर चित्रित किए थे नंदलाल बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ इलस्ट्रेशन रेडी किए थे नंदलाल बोस। अरेबियन नाइट्स बहुत फेमस पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की। पेंटिंग है सिटी स्क्वायर, जोकोमेटी, सुजाता, रामकिंकर बैज, ध्रुव मिस्त्री, मैन विद डॉग था, और गेट्स ऑफ पैराडाइज, लोरेंजो गिबर्टी। ये वाला भी क्वेश्चन जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइन, विनोद बिहारी मुखर्जी की जो टेक्निक थी वो क्यूबिस्ट स्टाइल में थी, घनवादी, पश्चिमी, आधुनिक पश्चिमी का कला द्वारा प्रेरित रहा था। वह कलाकार जो बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करते थे, और जो कला भवन शांति निकेतन में 1922 ईस्वी में प्राचार्य रहे थे नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउट एंड बर्ड्स फेमस थी, कास्ट में बनाए थे। वह कलाकार जिसने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम कटीम शिल्प कृति के लिए रचना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वाली पेंटिंग है हैच बैक ऑफ द फिश, ये वाली पेंटिंग देख के कुछ याद आया? 2013 का जेआरएफ का क्वेश्चन है। मैं काफी जेआरएफ जेआरएफ करती हूँ, आप लोगों ने कमेंट भी किया था। इवन जेआरएफ के क्वेश्चंस होते हैं ना सर्टेन, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है तो माइंड में फिट कर लेती हूँ कौन से ईयर में आए हुए थे। 2013 का क्वेश्चन है हैच बैक ऑफ द फिश मैन, अरेबियन नाइट श्रृंखला है, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग रही थी। लिनोकर टेक्निक के द्वारा दांडी मार्ग की प्रसिद्ध छापाकृति नंदलाल बोस ने रेडी की। द ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर, आनंद कुमार स्वामी इन्होंने लिखा था। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट हिंदू एंड बुद्धिस्ट मिथ्स पुस्तक थी सिस्टर निवेदिता की। चित्रकला की लोक शैली प्रेरित रही थी जैमिनी रॉय से। सो फाइनली आज तो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट मोमेंट के बारे में, लाइक ग्रुप के बारे में, लेसन 16 जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, देन एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सो वीडियोस कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।